हे गाइस, गुड मॉर्निंग। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। जय माता दी बोल के गाइस, मंदिर में पूजा हो चुकी है और नाश्ता वास्ता करने की तैयारी करते हैं। पहले भोग लगाते हैं, फिर करेंगे नाश्ता। और गाइस, बस हम निकलने की आज तैयारी है। आज शाम को यानी कि रात के समय हम निकल जाएंगे, शाम या रात के बीच बीच में देखते हैं कैसे हिसाब का बनता है हमारा। और आपके कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, 3 या 4 कमेंट्स आए हुए हैं। वो इसलिए आए थे, कह रहे कि भैया आप रोज़ भोग लगाते हो, सॉरी रोज़ भोग लगाते हो, रोज़ भगवान जी की पूजा करते हो, आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो और पीछे से कौन मतलब मंदिर में जोर चलाएगा आपको, कैसे भगवान जी को कैसे छोड़ के आप जा रहे हो। गाइस, भगवान जी को छोड़ के हम नहीं जा रहे, दरवाज़ा हमारा खुला रहता है। ऊपर सोनिया भाभी हैं घर में, देखो ललिता भाभी गए हुए हैं, ठीक है, निक्की भी है और सोनिया भाभी भी है, सब जने हैं। देखो जिसको मिलेगा, सोनिया भाभी अपना भोग लगाती हैं, जैसे अपने उनके मंदिर में हैं लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे साईं बाबा जी हैं, मतलब सारे भगवान हमारे मंदिर में हैं। तो कोई भी भोग लगाएगा, जोत तो रोज़ जलेगी जलेगी, सुबह शाम रोज़ सोनिया भाभी जला देगी जोत आराम से। ललिता भाभी होती, ललिता भाभी जोत जला देती, ठीक है ना। घर में कोई भी होगा, हमारे जॉइंट फैमिली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजे हमारे खुले रहते हैं जी भाई, सब खुल एकदम। और मंदिर में सुबह भी जोत जगेगी, शाम को भी जोत जगेगी, और सोनिया भाभी अपना भोग भी लगाएंगे, जैसे अपने लड्डू गोपाल जी को वगैरह को लगाते वैसे बाबा जी को भोग लगाएंगे। देखो भगवान सबके एक ही होते हैं यार, कोई तेरा मेरा वाला नहीं होता, ये हम जॉइंट फैमिली के अंदर है, मंदिर है तो हर कोई जोत जलाएगा, हर कोई जैसे सोनिया भाभी को बोले सोनिया भाभी आराम से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। नितिन ऑफिस ऑफिस जाना होता है तो इसलिए जैसे करते हैं तो सारा काम मिल जुल के होता है। सुबह बारिश भाई साहब, बड़ी तेज वाली बारिश, और आज हमने जाना है, ये देखो बारिश, क्या मस्त वाली बारिश है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश है भाई, बहुत बारिश है। डॉली कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है ना, कपड़े कपड़े जाना है, तैयारी करनी है भाई साहब, हालत बुरी हो गई है। ये देख अब क्या करना है, जाएंगे बारिश में जाएंगे। बहुत तेज बारिश आ गई, होना था बारिश है, कपड़े धोए थे मैंने, बड़ा छत से ढक के लेके आई हूँ कपड़े। चल कोई बात नहीं यार, कपड़े लास्ट जितने हैं धो देती हूँ, उसके बाद तो चलो फिर जरूरत होगी नहीं है भाई। बारिश है, देखो मौसम का नेचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ऑर्डर मंगवा लिया है आपको, ने ऑर्डर मंगवाया शायद, हाँ यही है यही है। ऑर्डर किसने किया था काकू, ऑर्डर किसने किया था, तूने कर दिया था बेटा? क्या मंगा लिया भाई तूने? बर्गर और फ्राई, बर्गर जो फ्राई, तेरे को पता जाने वाले हैं, नाश्ते में गाइस लेट हो गए थे, पैकिंग वैकिंग कर रहे थे भाई ये सारी, और ये भाई साहब को लग रही थी भूख, इन्होंने मंगा लिया सुबह सुबह, इसने शेक किया, सार्थक ने शेक किया और नाश्ता वास्ता। भाई ये डॉली ने अपना पर्स भी निकाल लिया, मैंने ये लेके दिया इसको, दिल्ली आर से, दिल्ली आर से, दिल्ली आर से पर्स लेके आप चाहिए होगा तो रख लेते, मैं भी खूब सारा सामान डालू, मेकअप का सामान, पैसे पैसे जो भी लेना है। अभी शक्ल ऐसी है, जाने के टाइम भी ऐसी होगा क्योंकि वहां जाके मेकअप होगा, सर्दी वगैरह के कपड़े सारे निकाल दिए हमने भैया, और मेकअप वगैरह के सारी चीजें इसने निकाल दी है, बस सुबह इसमें नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी सी। एक ये बैग चाहिए था भाई, मैं अपने लिए लेकर आया था, सार्थक कहता मेरे को चाहिए पापा मुझे दे दो, मैं पिछले साल से लिया हुआ जब मनाली लेके गया, ये अब मैं जा रहा हूँ तिलकनगर लेने के लिए एक बैग, मुझे भी ऐसा चाहिए क्योंकि ये बैग बहुत काम आते हैं सफर के अंदर, छोटी छोटी चीजें रखनी होती हैं इसके अंदर, सारी चीजें कैरी करो और निकल लो भैया, क्योंकि कार्ड वगैरह होते हैं, पैसे ऐसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये रखना ज़रूरी है। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, लेकर आता हूँ ये जाकर, ठीक है ना। एक तुम्हें चलना है? हाँ, मैं तू क्या, नहीं तू परेशान करेगा, नहीं ऐसे तू ऐसे नहीं, तवा रख दिया डॉली ने, नाश्ता करते हैं, पराठे का नाश्ता करते हैं भाई, थोड़ा सा पराठा खाएंगे तो सारा दिन तभी करके काम, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पराठा वगैरह खा लेंगे ना तो पेट भरेगा। आ गए डॉली, और गाइस बिग बॉस में वोटिंग शुरू हो चुकी है, अरमान पायल कृतिका को दबा के वोट करना। देखो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप किसको वोट कर रहे हो भाई, हमारे लिए तो तीनों बच्चे एक समान है, एक हाथ होता है, तीन इसकी 5 उंगलियां हैं, अगर देखो किसी को भी काटोगे दर्द होगा, इसलिए हमारे सारे बच्चे एक समान है, हम तो तीनों को दबा दबा के अलग अलग मोबाइल से वोट कर रहे हैं। आपका जो भी फेवरेट हो उसको आप वोट कीजिए। मेरे पास कल भी एक मैम आई थी, कह रही कि भैया मैं पायल को ना लगातार वोट कर रही हूँ, पायल मेरी फेवरेट है, और मैं भगवान करे पायल जीते। देखो पायल जीते, गोलू जीते, अरमान जीते, कोई भी जीते, मतलब ट्रॉफी हमारे घर ही आनी चाहिए, बस यही दुआएं करना, प्रार्थना करना, प्यार करना, क्योंकि आप यहाँ तक लेकर आए हो उनको, उन्होंने बहुत मेहनत की गाइस, मेरे को मैंने मेहनत देखी है, अरमान की मेहनत मैंने देखी है,
जब वो टिकटॉक में थे, मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ उनको, अभी से नहीं, जब गोलू की मैरिज भी नहीं हुई थी 2018 के आसपास की बात है ये वाली, जब उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी, उनकी अरमान की मेहनत मैंने देखी है, कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने गाइस, बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ उनकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना, और प्लीज दबा दबा कर वोट करना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बन गया नाश्ता बस बन रहा है। तो बस मैं वही गाइस से वही बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने अरमान और इधर आओ पीछे आ जाओ ना, अरमान गोलू की मेहनत हमने देखी है, जो इन्होंने मेहनत की है सफलता उनको मिलेगी, और बहुत मेहनत की है गाइस, प्लीज आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वोट उन्हीं को डालना ठीक है जी, बिल्कुल जो आपके प्यार के काबिल है। चेक देखो हम तो तीनों को कर रहे हैं, जो आपका फेवरेट हो गोलू हो पायल हो जो भी हो, किस्मत है जिसकी बात चमकने वाली है, सीधी सी बात, ट्रॉफी हमारे घर आने हो चुका है लंच का, और हम ये भाई साहब ये देखो लंच से पहले पहले ये तो केक रखा हुआ है ऊपर, ये तीनों बैग पैक कर लिए हैं, एक ये वाला बैग है, एक ये है, बस यही बैग है हमारे, ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है वैसे, एक इतना बड़ा बैग है, एक ये है, मैं डॉली को कह रहा हूँ, इतना ज्यादा बैग तो नहीं है ना हमारे, है ना वैसे, अभी तो दो तीन और भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ज्यादा, डॉली चार बज गए हैं निकलने की, चलो बस निकलते हैं, इतने सारे बैग है भाई, हाँ इतने से बैग है हमारे, और तेरे कुछ रहा तो नहीं गया अभी, और अभी तो, अभी तो मेरे को लग रहा है एक आधा बैग और बनेगा, है ना मम्मी का काकू, हो सकता है देखते हैं, वो भी सकता है, तूने अपना, तूने अपना मेकअप का सामान रख लिया, सब ने रख लिया, मेकअप का नहीं है ना, अपनी चेन, हाँ वही मेकअप ही होगा ना तेरा, चेन हो गई, घड़ी हो गई, ये सारी चीजें, हार अंगूठिया, भाई कमाल करते हो बांदा जी, तुम नहीं, मैं नहीं कुछ डालता भैया, बस लगातार भाई कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, मैं कहा भाई हम कहाँ जा रहे हैं आप गैस कर लेना हम कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है जी, काकू देख रहे हैं, आ जाओ नीचे बैठ जाओ, तू भी बैठ जाओ आराम से, आ जाओ आराम से, ऐसे रेलवे इसके ऊपर मत बैठ, सामान है इसमें, बेवकूफ़ है क्या, तो गाइज आप गैस कर लेना हम कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है जी, कमेंट्स करके आप बता देना, ठीक है, अब कौन से हिल स्टेशन जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं भाई, और ये बैग वैग सब रख दिए हमने, और कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे मेरे पास, मैं कहा भैया जाएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे तभी आपको पता लगेगा, तो गाइस बस एक चीज़ मैं भूल गया था, डॉली ने याद दिला दी, डॉली कहती है कि आपने एक तो देखो गैस का जो हमने छोटा सा चूल्हा वो ले लिया है, कैंपिंग सिलेंडर ले लिया जो कल मैं परचेज करके लाया था, वो कभी भी काम आ सकता है, जैसे गर्म पानी रास्ते में चाहिए होगा हमें, अगर बाई चांस कोई अच्छा सा व्यू मिल गया वहाँ पर बैठ के हमें कुछ कुकिंग करनी होगी तो वो मैंने ले लिया, चाय और मैगी के अलावा कुकिंग, तो गाइस चाय और मैगी के अलावा कोई कुकिंग नहीं होगी भाई, कहीं आप सोच रहे हो ठीक है ना, इतना सामान नहीं है जो कुकिंग करो, मैंने एक ही फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैगी भी बन जाएगी, हाँ, और चाय भी बन जाएगी, दोनों चीजें बन जाएंगी, अब ये है कि इन केस कभी जैसे सुबह सुबह अगर भैया उठने का बाहर जाने का दिल नहीं करता होटल से, फ्राई पैन ले लिया, चाय पत्ती चीनी ले लिया, घर में वहीं पे बैठ कर फटाफट चाय बना लेंगे, और इनकेस रात को, इनकेस रात को बच्चों को दूध वगैरह पीना हो, कुछ कर रहे हैं गर्म करना हो इसलिए ले लिया, बार बार फिर होटल तो हमने कर लिया भैया, होटल हमने कर लिया है, वहीं पे हमारी गाड़ी लगेगी भैया, अभी ड्राइवर का भी वहीं पे इंतजाम होगा, खाना पीना सारी चीजें ड्राइवर के, ड्राइवर के लिए भी रूम ले लिया हमने वहाँ पर, एक ड्राइवर के लिए रूम ले लिया, उनका खाना पीना वहीं पर ही होगा, हम अपने लिए ले लिया डबल बेड वाला रूम, बुकिंग करा दिया, सारी चीजें हो गया, होटल बहुत अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेट में मिला है, मेरे ब्रदर इला है उन्होंने कराया, क्योंकि वो तो अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पर मतलब किसी के साथ, तो उन्होंने कराया जो होटल है, और बिल्कुल माल रोड पे एकदम स्थित है, अब कौन से वाला माल रोड है, कौन सा माल रोड है, चाहे शिमला का हो, चाहे नैनीताल का हो, चाहे मंसूरी का हो, चाहे मनाली का हो, तो इसका वो आपको, हाँ आपको कहीं पता लगेगा कौन से माल रोड के पास ले लिया हमने होटल, ठीक है जी, अब नाश्ता होटल के नाम दिखा दी पता लग जाएगा उसमें, तो गाइस को पता लग जाएगा, जाते रहते पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गाइस ने गैस कर लिया होगा, गाइस गैस कर देना जी, ये जो बैग बना है ये बना है सार्थक का, सार्थक में सारा सामान आ गया, हेयर ड्रायर भी आ गया, प्रेस भी आ गई है इसमें, इसने अपना भाई साहब पूरा का पूरा सामान, ये नया बैग मंगवाया था अभी, मोर्चा मार लिया इसने, मैंने अपने लिए मंगवाया था, ये बैग में आ गए ना सारे सामान तेरा, आगे से ट्रिप पे जाएगा यही बैग लेके जाएगा, ये सबसे गाइस बहुत रीजनेबल रेट पे हमें पड़ गया था, ये वाला बैग ऑनलाइन मंगवाया था, इस बैग में कितना सारा सामान आ गया ना, बहुत सारा, बहुत पूरा सार्थक का पूरा सामान इसी में आया, बस एक मेरी जैकेट और दो स्वेटशर्ट, हाँ बारिश रुक गई है भैया, देखो रास्ते में बारिश भी होती है, छतरियाँ वगैरह अम्ब्रेला वगैरह भी हमने ले लिया, और बस काम कुम हमारा सारा हो चुका है, अब डॉली के साथ मार्केट निकलने की तैयारी कर रही है, थोड़ा बहुत सामान लेके आता हूँ,
और डॉली को भी अपने सामान स्कूल लेना है। और बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगले ब्लॉग में हम मिलेंगे आपको सीधा बाहर, दिल्ली से बाहर। तो गाइस जो ब्लॉग होगा बिल्कुल दिल्ली से बाहर वाला ब्लॉग होगा। और बस भगवान करे हमारी जर्नी अच्छी रहे, आप दुआएं करना, प्रार्थना करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।